ब नाजरीन इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं हर उस नेशनल स्कीम के बारे में जो बनी है आपके लिए और आज फिर हम एक ऐसी ही नेशनल स्कीम पर बात करने वाले हैं जो बनी है हमारे देश के मेहनत कश किसानों के लिए सुबह होने से पहले उठना दिन भर धूप में तपना रात को फसल की निगरानी करना छत टपकती है उसके कच्चे मकान की फिर भी यही तमन्ना करता है कि बारिश हो जाए मुल्क के किसानों को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत ने कई नए स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, जिसका पूरा पूरा फायदा किसानों की जेब तक पहुँचे चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस महज एक तारीख भर नहीं ये वो एक यादगार दिन है जब किसानों को मुआशी तहफ़ देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई और इस योजना का फ़ायदा तकरीबन 11 करोड़ किसान उठा रहे हैं तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर मीना जी डॉक्टर yes. यादरा मीना जी आपका हमारे इस प्रोग्राम yes. में खैर मकदम है इससे पहले कि हम आपके साथ इस स्कीम के बारे में बात करें आइए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के बिना किसी कमीशन के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि है, है मान सम्मान की कृषकों के कल्याण की भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूजोधारी किसान परिवार को हर चार महीने पर दो हजार रूपए की सम्मान निधि सीधे उसके बैंक में जमा की जाती है इस योजना का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है मैं वो की इस योजना के बाद से कोई कर्ज नहीं लेना पड़ रहा प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से जो मेरे को छह हजार रूपए बहुत खुश हूँ पीएम किसान वाला कष्ट को अपल लेने छह हजार मिलगा ये बहुत खुशी का काम जाबा आज देश में ये कारमा बढ़ता हुआ पीएम किसान के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुँच गया है पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना है योजना में 100 फीसद खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है लाभार्थी किसानों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है इस काम को तेज आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल www.pmkisan.gov.in का संचालन किया जा रहा है इस सुविधा के कारण लाखों किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है किसानों की शंकाओं और शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है हेल्पलाइन नंबर है एक पाँच पाँच दो छवा चौबीसों घंटे और तीन सौ पैंसठ दिन उपलब्ध रहती है भारत सरकार ने पीएम किसान के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिससे किसानों को अनेक सुविधाएं भी मिल रही हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना गरीब और असहाय किसानों के लिए वरदान है पीएम सम्मान किसान योजना से ये फायदा हुआ हमको कि जो अमाउंट हमारे खाते में आया पैसा हमारे खाते में आया उसको हमने जो है क्या कहते हैं अपने खेती में जो है खर्च किया और उससे हमको बहुत लाभ मिला और सहयोग मिला हमारे खाते में डायरेक्ट पैसे आते हैं हमको लगता है कि कोई बैठक हुआ प्रधानमंत्री हमारे बारे में भी सोच रहा है अभी हमने इस स्कीम से जुड़ी रिपोर्ट को देखा और अब आइए आगे जानकारी लेते हैं इस स्कीम के बारे में हमारे एक्सपर्ट के साथ मीना जी किन किसानों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिन किसानों को लाभ मिलता है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब शुरुआत में इस योजना को लॉन्च किया गया था तब छोटे और सीमांत किसानों को इसके अंतर्गत लाया गया था जिसका मतलब था दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान किसान भाई लेकिन मोदी सरकार की जो दूसरी पारी की शुरुआत हुई उस टाइम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि जो बाक़ी बचे हुए किसान हैं क्यों ना उनको भी ये लाभ दिया जाए तो जो ज़मीन की सीमा थी उसको हटा दिया गया था इसका मतलब छोटे सीमांत और जो ज़्यादा जोत वाले किसान हैं उनको भी इसका लाभ देना तय किया गया था तो सभी किसान जिनकी अपनी ज़मीन है अपने नाम से और उनकी उनके परिवारों को इनका लाभ मिलना चालू हुआ परिवार की अगर हम बात करते हैं तो परिवार से मतलब है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे उनको इस योजना का लाभ मिलता है अगर किसी किसान भाई के बड़े बेटे हैं बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं और उनके नाम से भी अगर ज़मीन है तो उनको अलग से इसका लाभ मिलना तय हुआ था और जो संगठित रूप से कोई परिवार रहता है जिसमें चार पांच भाई हैं बड़े हैं भले भले ही और पिताजी के नाम से ही ज़मीन है तो किसी एक को ही उसका लाभ मिल सकता है कहने का मतलब यह है कि जिन किसानों के नाम से ज़मीन हो और वो पहले से ही मतलब बालिग हैं शादीशुदा हैं या कबारे हैं वो कोई मायने नहीं रखता लेकिन मतलब उनको इसका लाभ मिलना चालू होता है मीना जी क्या सोच कर इस स्कीम को लाया गया और इसका मकसद क्या था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जब लागू किया गया था तो विशेष तौर पर ये ध्यान में रखा गया था कि हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास कई बार जब अपनी खेती का काम चालू करते हैं बीज के लिए या जो और आवश्यक सामग्री है दवाइयाँ हैं छोटे मोटे कृषि के यंत्र हैं उनके लिए या जुताई के लिए पैसा नहीं होता था तो ये सोच के कि उनको सीधे तौर पर जब पैसा मिलेगा छः हज़ार रुपये भी सालाना मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनको अच्छी गुणवत्ता का बीज छोटे मोटे उपकरण और कीट व्याधियाँ अगर आती हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ लाने के लिए पैसा हो किसी साहूकार की तरफ ना देखना पड़े और वो कर्ज के तले ना दब सके तो इस तरीके की मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया क्योंकि इससे सीधे तौर पर छोटे किसानों की भी एक तरीके से आमदनी भले ही छः हज़ार रुपये ही साल के मिलें लेकिन सालाना छः हज़ार रुपये की सीधे तौर पर उनको आमदनी होती है जिससे वो छोटे मोटे अपने कृषि के जो कार्य हैं उनको समयबद्ध तरीके से कर सकें और किसी दूसरे की तरफ उनको ना देखना पड़े अगर कोई किसान इनकम टैक्स देता हो तो क्या उसे इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा जी बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो दूसरा व्यवसाय भी, भी करते हैं खासकर जैसे कोई राजनीतिक हस्ती हो कोई एम एल रहे हुए हों या मान लो ऐसे किसान हैं जो डॉक्टर इंजीनियर भी हैं प्रोफेशन से और वकील हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स भी पे करते हैं तो निश्चित तौर पर जो किसान भाई भले ही खेती करते हों लेकिन साथ में वो इनकम टैक्स भी पे करते हों तो उनको इसका लाभ नहीं मिलता इसलिए ये उन्हीं किसानों के लिए है जो सिर्फ़ खेती किसानी पर ही आश्रित हैं उनको कोई दूसरा व्यवसाय ना हो और कई किसानी खेती ऐसे लोग भी करते हैं जैसे सरकारी कर्मचारी हैं कोई अधिकारी हैं वो रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद में जिनको दस हज़ार से ज़्यादा पेंशन मिलती है वो कोई भी अधिकारी इसके पात्र नहीं हो सकते सिर्फ़ एक ग्रुप डी जो एम्प्लॉई हैं जिसमें चपरासी या एम हम बोलते हैं उनको ये लाभ मिल सकता है उनके अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अगर खेती किसानी कर रहा है तो उसको भी ये लाभ नहीं मिलता राजनीतिक हस्ती जिसमें एम एल जिला पंचायत के अध्यक्ष या कभी भूतपूर्व मिनिस्टर वगैरह रहे हों उनको इस लाभ से दूर रखा गया है और जैसे मैंने कहा डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं वकील हैं आर्किटेक्ट हैं जो काफ़ी पैसा दूसरे व्यवसाय से कमाते हैं और खेती भी करते हैं तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलता तीसरा जो इनकम टैक्स पे करते हैं विगत वर्ष में जो किसानों ने इनकम टैक्स पे किया है वो भी खुद ब खुद इस सूची से मतलब अलग किए जाते हैं अब तक कितने किसान इस स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं अब तक लगभग ग्यारह दशमलव तीस तीन जीरो करोड़ मतलब ग्यारह दशमलव तीस करोड़ के आसपास मतलब इससे जुड़ चुके हैं और लगभग इसकी जो किस्तें अभी दस किस्त ऑलरेडी जा चुकी हैं और ग्यारहवीं किस्त की तैयारी है कोशिश है कि अप्रैल माह में जैसे ही प्रधानमंत्री जी से कोई तारीख मिलेगी तो उसको भी जारी किया जाएगा और निरंतर रूप से इसमें किसान भाई जुड़ रहे हैं और लगभग आ, मतलब एक दशमलव आठ तो यानी एक दशमलव बयासी करोड़ किसानों को एक दशमलव बयासी लाख करोड़ किसानों को इसका लाभ चुक, मिल चुका है अगर किसी किसान के अपने खेत न हो तो क्या तब भी उसे स्कीम का फायदा मिलेगा जी बिल्कुल नहीं क्योंकि ये जो योजना है किसान भाइयों के लिए है और किसान उन्हीं को माना गया जो जिनके नाम से खेती हो जो खेती किसानी का काम करते हों उन्हीं को इसका लाभ मिलता है अगर पहले की तरह कोई पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी हो तो तब भी क्या उसे स्कीम का फ़ायदा मिलेगा पुश्तैनी ज़मीन में हिस्सेदारी अगर हो चुकी हो मान लो किसी बाप के तीन या चार बेटे हैं सब अलग अलग रहते हैं और उनके नाम से अलग से ज़मीन है मतलब बंटवारा हो चुका है उनके नाम से ज़मीन है तभी उनको लाभ मिल सकता है अन्यथा इस योजना का लाभ एक परिवार को मिलता है और परिवार की अगर परिभाषा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देखी जाए तो पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक परिवार में आते हैं और उनको इसका लाभ मिलता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके नाम से ज़मीन अगर है तो उनको इसका लाभ मिलना स्वाभाविक है इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए दो तरीके हैं एक तो आप जो कॉमन सर्विस सेंटर है आपके अपने गांव में होता है आसपास होता है वहां पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा पी एम किसान पोर्टल है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है और खासकर पीएम किसान पोर्टल जो है उस पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं किसान चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर है उस पर भी संपर्क करके और वो आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद लिस्ट में नाम कैसे देखें जैसे मैं बता रहा पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के भी रजिस्ट्रेशन में नाम कंफर्म किया जा सकता है कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी आप अपनी डिटेल अगर दिखाएंगे तो वहाँ पर भी उसको चेक किया जा सकता है इस स्कीम की किस्त कब कब आती है इस स्कीम की किस्त वैसे तीन किस्त में पैसा मिलता है छः हज़ार रुपये जो है अब उसकी फिक्स तो नहीं है लेकिन चार चार महीने के अंतराल पर तीन किस्त दो दो हज़ार की दी जाती हैं और एक साथ बटन दबाते ही क्योंकि पी पीएफएमएस पी एफ आफ, पी के माध्यम से जाती है सीधे किसान के खाते में तो एक क्लिक के साथ ही जितने करोड़ भी किसानों को किस्त रिलीज होती है वो तुरंत बिना किसी देरी के बिना किसी दिक्कत के पैसा पहुंचता है अप्लाई करते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो किस तरह से सही किया जा सकता है इसको अप्लाई करते वक्त तो कोई गलती हो जाए तो दो तरीके एक तो किसान कॉल सेंटर आ, कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पर संपर्क किया जा सकता है और वो उस त्रुटि को सही कर सकते हैं एक टोल फ्री नंबर है 1800 115 526 उस पर संपर्क किया जा सकता है इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के भी उसको करेक्ट करवाया जा सकता है हेल्प डेस्क के जरिए किन परेशानियों से निपटा जा सकता है हेल्प डेस्क के जरिए आपकी जो भी शंका हो समस्या हो उसका समाधान करवाया जा सकता है और उसका टोल फ्री नंबर है अठारह 115 526. पैसा ना आने पर कहाँ शिकायत की जा सकती है पैसा ना आने पर टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है क्या एक घर के दो लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? एक घर के दो लोग नहीं दो परिवार इसका फायदा ले सकते हैं अगर उनके नाम से जमीन है क्योंकि एक परिवार का एक ही सदस्य लाभ ले सकता है मीना जी जो लोग इस स्कीम से अभी तक जोड़ नहीं सके हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है मैं तो उन किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि वो भी अपने जो आवश्यक दस्तावेज हैं खासकर इस योजना का लाभ लेने के लिए अपनी ज़मीन के पेपर जैसे खसरा खतौनी वगैरह इसके अलावा अपनी बैंक की पासबुक अकाउंट डिटेल आधार कार्ड और अपना नागरिकता का कि वो उस जगह के रहने वाले हैं जो ये चार पांच तरह के जो सर्टिफिकेट हैं वो तैयार कर लें एक ध्यान ये रहे कि आपका जैसे बैंक अकाउंट में कई बार नाम थोड़ा अलग होता है और आपके आधार कार्ड में अलग ऐसी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं कि किसी में आपने राम सिंह लिख दिया और दूसरे दस्तावेज़ में आपका नाम रामलाल हो गया तो वो फंस जाता है इसलिए आप पहले अपने दस्तावेज में एक ही नाम रखें किसी में सिंह है दूसरे में राम है तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए उनका मिलान होता है तो आप, आपका आधार कार्ड आपके जो ज़मीन के कागजात हैं उसमें और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें एक ही नाम होना चाहिए आ, किसी में कई बार क्या है? नाम के साथ गोत्र भी लगा देते हैं लोग किसी में जाति लिख देते हैं तो मेरा कहने का मतलब है अपने दस्तावेज़ों को दुरुस्त करके और आप इस योजना से जुड़ें आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आप कॉमन सर्विस सेंटर जो है वहाँ पर आप अपने गांव में या गांव के आसपास संपर्क करें और वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे इन कागजात के साथ और आपको भी किस्त मिलना चालू हो जाएगी किसान सम्मान निधि पाने के लिए किसान बड़ी तादाद में इस स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं और अगर आप भी इस स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी आइए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर करने के लिए सरकारी वेबसाइट पी पर जाना होगा यहाँ आप देख सकते हैं ये स्कीम एक दिसंबर 2018 को लॉन्च की गई इसमें किसानों को हर साल छ हजार रुपये दिए जाते हैं जिसे सरकार दो दो हजार की किस्त में देती है इस स्कीम का फायदा किन को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा वो भी आप यहाँ देख सकते हैं जैसे डॉक्टर इंजीनियर वकील चार्टेड अकाउंटेंट कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर जो लोग टैक्स भरते हैं वो लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते खुद को रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ फार्मर कॉर्नर पर आएंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एक नई टैब खुल जाएगी यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे दिया गया कैप्चा यहाँ लिखेंगे इसके बाद आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड अब आपको यहाँ ओके okay पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यस yes पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसे आप अपने आधार कार्ड के मुताबिक यहाँ पर भरेंगे सबसे पहले आप यहाँ अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट फिर सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ से आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने गांव, कस्बे या शहर का नाम चुनेंगे आगे अपना नाम जेंडर और कैटेगरी यहाँ भरेंगे जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आप फार्मर टाइप चुन लेंगे आधार कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर अपने बैंक की सारी डिटेल्स भरेंगे आगे आपको अपने आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन करवाना होगा जिसके लिए आपको सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना होगा देखिए यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है अगर आपकी कोई भी डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं होगी तो ये ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा इसलिए आपको अपनी तमाम जानकारी यहाँ सही भरनी है अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो आप फिर से अपनी सभी डिटेल चेक कीजिए और सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करिए इसके बाद यहाँ नीचे आप अपना मोबाइल नंबर पैदाइश की तारीख और यहाँ अपने वालिद, वालिदा या शौहर का नाम भरेंगे अब आपको अपनी जमीन की ऑनरशिप भरनी होगी जिसके लिए आपको ऐड पर क्लिक करना होगा आप यहाँ सर्वे या खाता नंबर भरेंगे खसरा नंबर भरेंगे और यहाँ पर आप उसका एरिया भरेंगे कितनी जमीन आपके पास है वो बताना होगा खाता और खसरा नंबर आपको स्टेट की वेबसाइट से मिल जाएगी जैसे आप यूपी में रहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे यूपी भूलेख अब आपके सामने एक टैब खुल जाएगी जिसमें आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे फिर अपनी तहसील और अपना काम सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना खसरा नंबर भरना है जो आप यहाँ से देख कर भरेंगे इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे कैप्चा भरेंगे और कंटिन्यू करेंगे अब आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं अपना खसरा नंबर और एरिया ये तमाम डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा इसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन या स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ फार्मर कॉर्नर पर आएंगे और स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर अपना आधार नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे इस तरह आप अपना स्टेटस बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको अप्रूव किया जाएगा जिसके लिए वेरिफिकेशन होगा अगर आपके जरिए दी गई तमाम जानकारी सही साबित होती है तो इसको अप्रूव कर दिया जाएगा और अगर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसके बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अप्रूवल मिल जाने के बाद आप यहाँ से बेनिफिशरी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि पैसा आया या नहीं इसके लिए फार्मर कॉर्नर पर आएंगे और बेनिफिशरी स्टेटस चेक करेंगे यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे और डेटा पर क्लिक करेंगे इस तरह आप देख सकते हैं कि अब तक किसान सम्मान निधि स्कीम की कितनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है तो देखा आपने कितना आसान है इस स्कीम में खुद को रजिस्टर करवाना अब तक इसकी 10 किस्त आ चुकी है और अगली किस्त जल्द ही जारी हो जाएगी उम्मीद है आप इस तमाम जानकारी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे मीना जी आपने किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बहुत सारी अहम जानकारी हमें दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाँ भी बहुत बहुत शुक्रिया अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई स्कीम के साथ फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत आदाब।